स्वागत है आपका हमारे अनप्लग टेक जम चैनल पर। इस वीडियो में हम भारत की नदियों से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहला है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में काराकोरम एवं महान हिमालय के बीच बहती है। अगला है सिंधु नदी लद्दाख सेरी को दो बार काटने के बाद गिलगिट के पास तीसरी बार काटते हुए अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और सिंधु नदी गिलगिट के पास एक महाखंड का निर्माण करती है जिसे महान सिंधु गर्ज कहते हैं। अगला है सिंधु की सहायक नदियां सतलज व्यास झेलम और रावी पठानकोट के पास सिंधु से मिल जाती हैं तथा पंचनद का निर्माण करती हैं। देखते हैं यहाँ वेब में जैसे झेलम रावी सतलज और ये ब्यास ये कहाँ मिलती हैं पठानकोट के पास। अगला पॉइंट है सतलज द्वारा बनाए गए कैनियन की तुलना कोलोराडो नदी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है पर निर्मित ग्रेट कैनियन से की जाती है। अगला चिनाब नदी चंद्र एवं बागा नदियों के संगम से बनती है। अगला पॉइंट है झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है तथा ये नदी भूलर झील से निकलते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अगला पॉइंट है भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इसके जल का मात्र 20% ही उपयोग कर सकता है। अगला है भारत में बहने वाली नदियों में गंगा सर्वाधिक लंबी एवं बड़ी नदी है। अगला पॉइंट है अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का मिलन देवप्रयाग में होता है, उन्हीं के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है गंगा शिवालिक सीढ़ी को काटते हुए ऋषिकेश पहुंचती है जहाँ पर ऋषिकेश के पश्चात गंगा हरिद्वार में धरातल पर उतरती है। अगला पॉइंट है हरिद्वार के पास कुछ दूरी पर ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है। अगला पॉइंट है गंगा नदी में प्रयाग इलाहाबाद में दाहिनी ओर से यमुना नदी आकर मिलती है तथा संगम का निर्माण करती है। कहाँ मिलती है ये है यमुना, यहां पर मिलती है आके गंगा से। अगला है पॉइंट गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां यमुना रामगंगा करनाली घाघरा गंडक कोसी एवं काली है काली नदी है। गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां सिंध बेतवा केन तौंस एवं सोन है। मैप में देखते हैं उत्तरी से कौन सी है गंडक कोसी गग्गर गोमती और दक्षिण से कौन सी है चंबल काली नदी सिंध सोन केन बेतवा।
अगला पॉइंट है, गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों को काटकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा पद्मा के नाम से यहां बहती है। अगला है, गंगा नदी बांग्लादेश में चांदपुर के पास यमुना से मिल जाती है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलने के पश्चात उनकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी तक चलते हुए इसमें मिल जाती है। अगला, गंगा का अपवाह क्षेत्र 9,91,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अगला, गंगा का डेल्टा हुगली एवं मेघना नदियों की 51,300 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। अगला पॉइंट है, गंगा डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। अगला है, हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। अगला है, हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, कोसी नदी को बिहार का शोक तथा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम 5,150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से बहते हुए भारत में दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वारवा के निकट यू टर्न बनाती है। मैप में देखते हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न बनाती है, यहाँ है नामचा वारवा और यहाँ है दिहांग। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी महान मोड़ के निकट 5,500 मीटर गहरे महाखंड ब्रह्मपुत्र गार्ज का निर्माण करती है। अगला, दिबांग लोहित एवं तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। अगला, असम राज्य में ही विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी स्थित है। अगला, प्रायद्वीप नदियों में गोदावरी कृष्णा कावेरी पेनार तुंगभद्रा तथा महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अगला पॉइंट है, नर्मदा ताप्ती माही साबरमती एम लूनी जैसी अन्य प्रायद्वीपी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अगला पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियां मुहाने का निर्माण करती हैं। अगला, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा एवं वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी में शिव समुद्रम तथा श्रीरंगपट्टनम नामक दो नदी द्वीप स्थित हैं।
वह कावेरी नदी के जल के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी में विवाद है। अगला पॉइंट है, कावेरी नदी के डेल्टा में तंजावुर का उपजाऊ जिला स्थित है, इसे दक्षिण का उद्यान भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में गार्डन ऑफ साउथ। तो ये थी भारत की नदियां यूपी टेट एग्जाम के लिए। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।